मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्जी, आपका दोस्त, आपका हमसफर। वंस अगेन चैनल मेड इन इंडिया पे आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बैठे हैं हमारे जो लाइव क्लास चल रहे हैं उस क्लास पे, तो जहाँ पे हम आज एक परफ्यूम का फॉर्मुलेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे ये फॉर्मुलेशन हमने लिख दिया है, ये फॉर्मुलेशन है केसर चंदन, केसर चंदन का फॉर्मुलेशन। तो इसको हम आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा हमारा एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि सैंडल परफ्यूम को उसमें फैला ओरिएंटेशन लाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमने लॉजिकली जहां पर कुछ केमिकल का ऐड किया है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बताएंगे कि इसके साथ जो डीपी हम लोग मिलाएंगे उसमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त का बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं फॉर्मुलेशन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, केसर चंदन, केसर सैंडल, ओके। इसमें हमने जो फर्स्ट केमिकल का यूज किया है वो है सैंडेला। सैंडेला हम लोग जहां पे दे रहे हैं 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम। तो ये सैंडेला जब आप लोग यूज करेंगे, मार्केट में सस्ते में बहुत ही सैंडेला मिल जाते, उसका यूज नहीं करना है हमको। प्रीवी कंपनी का या रोडिया का अगर अवेलेबल है तो रोडिया, अदरवाइज प्रीवी कंपनी का जो कॉस्टली सैंडेला है वो सैंडेला 200 ग्राम यूज करिए, क्योंकि ये प्रीवी का सैंडेला यूज नहीं करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है SMC सैंडल माइसोर कोर। ये भी आपको अच्छे क्वालिटी का सैंडल माइसोर कोर लेना है, 155 ग्राम, 155 ग्राम सैंडल माइसोर कोर आपको ऐड करना है। तो सॉरी, ये सैंडल माइसोर कोर हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सैंडल माइसोर कोर जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 194 है और सैंडल माइसोर कोर का ऑर्डर स्ट्रेंथ भी हाई है। इसीलिए सैंडल माइसोर कोर को हम सैंडेला के साथ मिला रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं कि सैंडेला का सैंडेला बहुत मोटा है, ये थोड़ा आपका जेल के जैसा है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम 155 ग्राम सैंडल माइसोर कोर इसीलिए यूज कर रहे हैं कि वुडी टोन भी बरकरार रहे और साथ ही साथ हमारा जो सैंडेला है, सैंडेला का फुल फॉर्म है आइसोबोरोनियल साइक्लोहेक्सानॉल, IBCH, तो ये भी थोड़ा सा पतला हो जाए कि हमारे अगरबत्ती को डिपिंग करने में सुविधा हो। तो SMC वुडी टोन 194 मॉलिक्यूलर रेट 155 ग्राम, प्लीज नोट डाउन। प्रोसेस को समझिए कि क्या ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम हम जहां पे दे रहे हैं फिनाइल इथाइल अल्कोहल। हाँ, अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई इसका क्या काम है, फिनाइल इथाइल अल्कोहल तो रोज का बेस है। हाँ बेस है, लेकिन हम लोग जहां पे ऐड करेंगे और इसीलिए ऐड करेंगे कि ये केसर चंदन है और इसमें हल्का सा रोजी टोन भी चलता है और ये हमारे ये जो कॉस्टली आइटम है इसको थोड़ा सस्ता भी बनाएगा हमारा फिनाइल इथाइल अल्कोहल। 85 ग्राम हम लोग ऐड कर रहे हैं फिनाइल इथाइल अल्कोहल और फिनाइल इथाइल अल्कोहल जो है इसका वेपर प्रेशर मीडियम है, ये फैलाव भी लाने में हमको सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है गैलेक्सोलाइट 100 ग्राम गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट इज वन काइंड ऑफ मस्क। गैलेक्सोलाइट हम जो यूज करेंगे डेफिनेटली IFF कंपनी का ही गैलेक्सोलाइट यूज करना है, जो मार्केट में दाम है 1700 से 1800 रुपया किलो। ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। मार्केट में वो जो 700-800 रुपया वाला गैलेक्सोलाइट मिलता है उससे काम नहीं होगा। IFF कंपनी का गैलेक्सोलाइट 100 ग्राम ये परफ्यूम का डेंसिटी को थोड़ा बढ़ा भी देगा और
परफ्यूम पे जब वो जलेगा आपके अगरबत्ती पे, उसमें ओरिएंटेशन लाने में भी सहायता करेगा। और गैलक्स लाइट फूडी टोन को, सैंडेला को, एसएमसी को भी सपोर्ट देगा। नेक्स्ट आइटम, आईएसओ ई सुपर भी हम लोग आईएफएफ कंपनी का ही यूज करेंगे, क्योंकि आईएसओ ई सुपर आपके परफ्यूम पे सैंडल टोन को फिर से सपोर्ट देगा। हम आईएसओ ई सुपर ऐड करेंगे 49 ग्राम। नेक्स्ट आइटम, अभी जहां तक हमारा सैंडल टोन था, अभी हम लोग जाएंगे केसर पे, केसर चंदन। हम लोग ऐड करेंगे सैफ्रनॉल, जो केसर को केसर में कन्वर्ट करेगा, सैंडल टू केसर सैंडल। सैफ्रनॉल 250 ग्राम देंगे, क्योंकि हमें केसर को बढ़ावा देना है। और ये जो सैफ्रनॉल है, इसका भी वेपर प्रेशर अच्छा है, वाटर स्ट्रेंथ हाई है, तो 250 ग्राम सैफ्रनॉल। नेक्स्ट, सैंडल में एल्डिहाइड को अगर यूज करना है तो बहुत ही सावधानी से यूज करना होगा। तो बहुत ही एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हमने ये देखा है कि केसर चंदन में, केसर सैंडल में हम लोग एल्डिहाइड C12 लॉरिक यूज कर सकते हैं 25 ग्राम, और एल्डिहाइड C12 MLA 18 ग्राम। इससे थोड़ा कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि MNA ये आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपके परफ्यूम को काट देगा, उसको टोन को बर्बाद कर देगा। तो 18 ग्राम MNA। नेक्स्ट, लास्ट पे, ये परफ्यूम के फॉर्मुलेशन के अंदर ही है, थोड़ा सा DET ऑयल हम लोग मिलाएंगे 118 ग्राम DET ऑयल हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे, ताकि ये सारे जो केमिकल्स है इसमें थोड़ा सा अच्छा एक सॉल्वेंट के तौर पे इसको हम यूज करें, कि ये अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये हमारा 1 किलो का फॉर्मुलेशन, जहां पे केसर चंदन का हमने आपको प्रेजेंट किया। अच्छा, ये परफ्यूम बनने के बाद इसमें हम लोग जो DET ऑयल ऐड करेंगे, उसके बारे में हम आपको जहां पे कुछ टेक्निक बता देंगे, क्योंकि सैंडल का जो RTD है, मतलब सैंडल में DET मिलाने के बाद उसमें बूस्टिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सपोज ये जो सैंडल का परफ्यूम बनेगा, इसको हम 1:4 रेशियो में तोड़ेंगे, मतलब ये 1 किलो परफ्यूम पे हम लोग 4 किलो DET मिक्सअप करेंगे। तो ये जो 4 किलो DET मिक्सअप करेंगे, उसमें हम लोग कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो टेक्निक हम यहां पे आपको बता देते। सपोज ये थोड़ा कैमरा को जहां पे जूम करके लाइए, DET ये 4 किलो DET ये दिख रहा है ना, ठीक से, ओके। तो फर्स्ट किलो जो DET हम लोग ऐड करेंगे, उस पे हम लोग 5 ड्रॉप C9 प्लस 5 ड्रॉप C11 ऐड कर देंगे। सेकंड में 2.5 ग्राम हम लोग ऐड करेंगे लीना लूल प्लस 2.5 बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड में हम लोग 5 ड्रॉप PEFA ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो DET ऑयल जो लास्ट किलो है, उसमें जस्ट 2 ड्रॉप MNA एंड 2 ड्रॉप लॉरिक, ये हल्का से हम लोग ऐड करके
ये 1:4 रेशियो का केसर चंदन का आरटीडीडी बनाएंगे और इसको ऐसे मिक्सअप करके कम से कम 4 से 5 दिन रखने के बाद इसमें आप लोग अगरबत्ती डिपिंग करिएगा। अगरबत्ती डिपिंग करके 2 दिन रखने के बाद इसको जला के देखिए इसका फैलाव कितना आता है। लेकिन आप लोग ये जो सैंडेला हो, गैलेक्सोलाइट हो, एसएमसी हो, सेफ्रोल, और ये ब्रांडेड कंपनी का ही यूज करिएगा, लोकल कंपनी का कभी भी यूज मत करिए तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये आपका केसर चंदन का फॉर्मूला रहा अलोंग विद योर आरटीडी प्रोसीड्योर। ये आशा करता हूँ आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के साथ। और हमारा ट्रेनिंग अभी चल रहा है, आप लोग चाहे तो ट्रेनिंग पे ज्वाइन करने के लिए ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप लोग फोन करके हमारे ट्रेनिंग सेशन में आ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।